तो स्वागत दोस्तों आपका हमारे एक नए वीडियो में। दोस्तों आज किस वीडियो में दोस्तों मैं आपको इस गवर्नमेंट टैब के अंदर दोस्तों यहां पर सभी ऐप चला के दिखाने वाला हूं। तो दोस्तों वीडियो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है और हेल्पफुल होने वाली है, तो वीडियो को अभी से पहले लाइक कर देना। चैनल पर दोस्तों अगर आप नए आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को और पर सेलेक्ट कर लो, क्योंकि गवर्नमेंट टैब से जुड़ी सभी इन्फॉर्मेशन दोस्तों आपको इस चैनल पर मिलती रहती है। तो चलिए दोस्तों इस वीडियो को हम यहां पर शुरू कर लेते हैं। तो दोस्तों ऐसा करने के लिए दोस्तों यहां पर आपको सिंपली से पहले तो आपको प्ले स्टोर पर चले जाना है, और प्ले स्टोर पर जाने के बाद दोस्तों यहाँ पर आपको सिंपली से इस आइकन पर क्लिक करना है, और यहाँ पर दोस्तों आपको मैनेज ऐप एंड डिवाइस पर चले जाना है, मैनेज पर चले जाना है, और यहाँ पर दोस्तों आपको एंड्रॉयड सिस्टम वेब व्यू इसका ऑप्शन मिल जाएगा। इस ऐप को वहाँ पर आपको सिंपली से ओपन कर लेना है। अब दोस्तों यहाँ पर आपको इस इंटरफेस पर रखकर और दोस्तों यहाँ पर ये इस वाले बटन को दोस्तों यहाँ पर आपको सिंपली से प्रेस है वो कर देना है, और इस वाले बटन को प्रेस करने के बाद यहाँ पर आप पहुँच जाएंगे। अब दोस्तों यहाँ पर आपको ओपन सोर्स लाइसेंस यहाँ पर ओपन कर लेना है। अब आपको ध्यान से देख लेना दोस्तों, मैं थोड़ा फास्ट करूँगा क्योंकि दोस्तों ये जो ट्रिक है ये थोड़ी फास्ट आपको करनी होगी। अब दोस्तों आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पर सिंपली से इसको यहाँ पर कॉपी इसको यहाँ पर सिंपली से सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट करने के बाद दोस्तों यहाँ पर जो आपको वेब सर्च लिखा रहा है इस पर आपको सिंपली से क्लिक करना है, और अब दोस्तों यहाँ पर आपको ये प्ले स्टोर ओपन कर लेना है, और इस आपको दोस्तों यहाँ पर आपको इंस्टॉल पर क्लिक कर देना है। अब दोस्तों आप देख सकते हैं आपके यहाँ पर सभी ऐप दोस्तों यहाँ पर चलने लग जाएंगे। तो आप देख सकते हैं दोस्तों लाइव यहाँ पर सभी ऐप दोस्तों यहाँ पर चलने लग गए हैं। जैसा आप चाहें दोस्तों वैसा आप कर सकते हैं। देख सकते हैं दोस्तों यहाँ पर कैलेंडर भी आपका ओपन हो रहा है, और भी आप दोस्तों मैं यहाँ पर आपको दिखा देता हूँ। जैसे कि मैं यहाँ पर सिंपली से ओपन कर लेता हूँ, तो दोस्तों आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पर सिंपली से गैलरी ओपन की, तो यहाँ पर गैलरी भी ओपन हो रही है। और दोस्तों अगर आप अदर भी कोई भी चीज़ चलाना चाहते हैं तो आप चला सकते हैं दोस्तों। जैसे कि आप देख सकते हैं गेम लॉन्चर मैंने ओपन किया, तो आप देख सकते हैं दोस्तों गेम लॉन्चर भी यहाँ पर ओपन हो रहा है। अब दोस्तों हम ओपन कर लेते हैं, चलो यहाँ पर गूगल ओपन कर लेते हैं दोस्तों। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर दोस्तों यहाँ पर सिंपली से गूगल भी आपका ओपन है वो हो रहा है, और बहुत अच्छे तरीके से दोस्तों यहाँ पर वर्क भी कर रहा है। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक जरूर कर देना दोस्तों। तो आप देख सकते हैं दोस्तों यहाँ पर सिंपली से कुछ इस प्रकार से आपको यहाँ पर करते रहना है, ताकि आपका बार बार ये ओपन होता रहे। तो दोस्तों फिर जितनी देर तक आप चलाना चाहें वैसे आप चला सकते हैं, लेकिन दोस्तों आपका ये परमानेंट नहीं रहेगा। आपको बीच बीच में दोस्तों यहाँ पर ये आता रहेगा, लेकिन आपको फिर से वही स्टेप है वो दोहराते रहना है। अगर दोस्तों आपका यहाँ पर अब जैसे कि मैंने यहाँ पर अनइंस्टॉल किया था, अब दोस्तों अगर मैं चाहूँ कि इसको लेना, तो मैं यहाँ पर सिंपली से वेब सर्च पर क्लिक करूँगा, प्ले स्टोर को ओपन करूँगा, और अब आप देख सकते हैं दोस्तों यहाँ पर सिंपली से मैनेज ऐप एंड डिवाइस पर मुझे जाना है, मैनेज पर जाना है, और इसको दोस्तों यहाँ पर मुझे यहाँ पर अपडेट वाले बटन पर क्लिक कर देना है। अब दोस्तों जब ये अपडेट है वो हो जाएगी, तब आपको यहाँ पर एक बटन शो हो जाएगा जैसे कि मैंने आपको दिखाया था थ्री लाइंस वाला, उस पर आपको सिंपली से क्लिक कर देना है, फिर आपके जो सभी ऐप हैं फिर से चलने लग जाएंगे। अब आपको ये अपडेट होने देता हूँ, तब तक मैं अपनी रिकॉर्डिंग को बंद कर लेता हूँ। अब दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं 85% दोस्तों यहाँ पर कंप्लीट है, वो हो चुकी है रिकॉर्डिंग। अब दोस्तों यहाँ पर आपको सिंपली से इस जो यहाँ पर आपको बटन शो होगा इस पर आपको सिंपली से क्लिक कर देना है, फिर दोस्तों यहाँ पर आपके दोबारा से वही ऐप है दोस्तों यहाँ पर वो चलने लग जाएंगे। तो चलिए दोस्तों हम यहाँ पर सिंपली से देख सकते हैं दोस्तों ये सिंपली से इंस्टॉलिंग होने वाला है। 100% दोस्तों यहाँ पर ये हो चुका है। अब दोस्तों ये जब इंस्टॉल होगा तब यहाँ पर ओपन है वो कर लेंगे। तो दोस्तों आप देख सकते हैं यहाँ पर इंस्टॉलिंग होने वाला है, और दोस्तों आप देख सकते हैं यहाँ पर सब दोस्तों यहाँ पर